एक टाइम पे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। थोड़ी देर के लिए रुका ये ब्रिज चेकआउट करने, बादलों के बीच में से जो किरणें निकल के आ रही है ना वो कत्ल कर रही है यार इस व्यू। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्स राइडर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब गाइस, होप करता हूं सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आ गया न्यू वीडियो लेके, वही दिन है, वही समय है, वही वक्त है, वही टाइम है एंड वही जगह भी है जहाँ पे मैंने प्रीवियस छोड़ा था। तो प्रीवियस क्या हो गया था, हो गया था एक्सीडेंट अंकल जी का। प्रीवियस वीडियो देखी होगी आप सब ने, यार ऐसा गलत है, मतलब राइड पे ऐसा हो जाना, एक तो दिल टूट जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं रुका था यहीं पे, पीछे जगह थी एक, तो वहाँ पे मैंने नाश्ता किया यार। खाना वाना तो यार ऐसे टाइम पे खाना बेकार है, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आती है खाना खा के, एंड जब नींद आती है तो फिर सोने का मन करता है एंड कहाँ सोएंगे हम लोग, तो इसीलिए नहीं सोना है, अभी सीधा चलना है, अभी मेरे को पोखरा कवर करना है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट, टाइम देखा जाए तो 4:30, ओ भाई साहब 4:30 बज चुके हैं एंड अभी मुझे पोखरा कवर करना है। मैं मुगलिंग भी नहीं पहुँचा, तो अगर मुगलिंग पहुँच जाता तो मैं कह सकता था कि भाई अभी कवर हो जाएगा, बट अभी भी बहुत टाइम है क्योंकि मुगलिंग पहुँचने में भी मुझे कम से कम भी 1 घंटा लग जाएगा या ज़्यादा भी लग सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा लेट चल रहा हूँ और मैं अंधेरे होते टाइम पे ही पहुँचूंगा पोखरा। मैं नहीं चाहता कि यार मतलब वो जो कॉर्नरिंग वाले रास्ते हैं ना वो मेरे को अंधेरे में पड़े। वैसे मज़ा आता है कॉर्नरिंग अंधेरे में करने का, क्योंकि पता लग जाता है कि आगे से गाड़ी आ रही है, हाई बीम लाइट पड़ती है तो पता लग जाता है। बट रात को चलाने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अपन है माइग्रेन पेशेंट, तो दैट्स वाई माइग्रेन पीड़ित है हम लोग नहीं, मतलब मैं माइग्रेन पीड़ित हूँ, तो मेरे को रात को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बाइक चलाने में, इसीलिए डे में मैं जितना खींच सकता हूँ मैं खींचता हूँ। तो इतने देर बाद थोड़ी देर के लिए रुका ये ब्रिज चेकआउट करने, तो इसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने, एक छोटा सा क्लिप बनाया जो कि रील के लिए बनाया एंड ये है कुछ नारायणी त्रिशूली पुल, तो नारायणी त्रिशूली ब्रिज, हाँ। तो अपनी गोरी कुछ ऐसी है, देखो यहाँ पे मतलब पूरा गंदा मिट्टी हो गई है। मैंने वहाँ शोरूम पे इतनी अच्छी तरह वॉश करवाई थी इसको, बट कोई बात नहीं, जब चलती है तो भाई गंदी होती भी है, तो पूरा टैंक वैंक सब गंदा हो गया, कोई नहीं तो चलते हैं। अब मेरे को सीधा मुगलिंग पहुँचना है भाई, आएगा बिल्कुल आएगा। ओके सही है, तो बंदे लुम्बिनी का नंबर प्लेट है, तो लुम्बिनी से आए होंगे शायद, ये वहीं भैरवा से आए हैं शायद, कहीं जा रहे होंगे इस साइड ही, काठमांडू या फिर पोखरा ही जा रहे होंगे मे बी। तो भाई बोल रहा था कि भाई हमारी भी वीडियो आनी चाहिए, तो मैंने कहा आ जाएगी भाई, आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, आपकी वीडियो भी आएगी भाई, थैंक्स, है ना, मतलब ऐसे मतलब अब बात करने में भी अच्छा लगता है। ओके, तो अब ऑलमोस्ट मुगलिंग पहुँचने वाले हैं, अब ज़्यादा नहीं है, आई गेस 5 किलोमीटर होगा शायद, समथिंग 5 किलोमीटर होगा यहाँ से, अब ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर स्लो हो गया, मैं फास्ट हो गया था, फिर स्लो हो गया, फिर फास्ट हो गया था, फिर स्लो हो गया, क्यों वहाँ पे काम चल रहा था तो वहाँ पे रुक गया, तो ये भाई लोग मिल गए। अच्छा लगता है यार ऐसे, दिल से बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे मिलते हैं एंड बोलते हैं, बातें करते हैं, न्यू आदमियों से मिलने में मज़ा आता है। जितनी भी वीडियो में दिखाई, मैंने पुरानी ब्रिज दिखाई, आज मैं नई वाली ब्रिज से जाऊंगा, पुराने वाले से नहीं जाएंगे। तो पुराना उस साइड है, न्यू वाला इस साइड है, तो न्यू वाला बिल्कुल थोड़ा सा नंगा सा है, तो वैसे अच्छा है ये वाला ब्रिज, बहुत ही मजबूत बनाया गया है, क्योंकि अपन लोग जब ये बन रहा था तब भी आते थे, देखते थे। तो अभी ओल्ड ब्रिज में भी फोटो शूट ही चल रहे हैं, तो उस पर तो चलता ही रहता भाई, बिल्कुल साइलेंस है चारों तरफ। तो ये मुगलिंग से थोड़ा सा आगे ये झरना पड़ता है, एक टाइम पे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ओके, तो यहाँ पे भी देख ही लिया, अब आगे निकलना है।
जाए सर। ओके थैंक यू। ऑलराइट, तो इस इंडियन को भेज दिया गया है, रोका नहीं गया है। मतलब कितने कितने मतलब लाइक अच्छी तरह बोला उस पुलिस वाले ने, तो इंडियन ले पठाई दिन तो दाई। जिस टारगेट से चल रहा था उस टारगेट से तो मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर हूँ, बट मैंने सोच रखा है कि लाइक सनसेट होने से पहले पहले मुझे दमोली पहुँचना है, क्योंकि अगर मैं दमोली पहुँच गया एक बार तो उससे आगे का रास्ता तो मतलब ऑलमोस्ट ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि मैं दिन दिन में पहुँच पाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। मैं 7, 7:30 बजे, 8 बजे करीब पहुँचूंगा पोखरा, इस हिसाब से जितनी दूर मैं हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते का कोना कोना पता है कि कहाँ पे कौन सा कोना है और किस तरह रुकना है मुझे। तो सही है, चलो गाइस देखते हैं किस टाइम तक मैं पहुँच पाता हूँ। क्या नज़ारा है यार, देखो यार कितना ऑरेंज हो रखा है पहाड़ पूरा। वाह, पूरे पहाड़ भी ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं, एंड बादलों में से जो छेद होकर जो किरणें निकल रही हैं, अल्टीमेट व्यू यार, अल्टीमेट व्यू, लिटरली अल्टीमेट। मज़ा आ गया यार ये व्यू देख के। बट अभी सनसेट होना ना हो तो बेहतर है, क्योंकि मैं अभी भी भगा ही रहा हूँ, अब तक दमोली नहीं आया है, बहुत देर से भगा ही रहा हूँ। आगे रास्ता इतना ख़राब है, मतलब पीछे मैं छोड़ ही आया ख़राब रास्ता, अब थोड़ा अच्छा रास्ता है तो मैं स्ट्रेच कर रहा था, तो ये नज़ारा देखने को मिल गया। वाह भाई वाह यार, मूड बन गया। ये क्या हो रहा है, लाइक मेरे व्लॉग में ना ऐसा होना बिल्कुल होता ही होता है, लाइक स्टार्टिंग में पता नहीं क्या हो जाता है, बोरिंग सी स्टार्ट होती है, फिर शाम को ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं भाई साहब। अब देखो यार पर्पल कलर का हो गया है पूरा आसमान, लाइक ऑलमोस्ट पर्पल कलर का ही दिख रहा है, पूरे बादल पर्पल दिख रहे हैं। यही तो व्यू चाहिए यार, सही है यही तो चाहिए, ये नहीं चाहिए खड्डा नहीं चाहिए भाई, व्यू चाहिए खड्डा नहीं चाहिए। नो नीड खड्डे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नगर पालिका बुलवाओ गड्ढा भरवाओ। बट अभी लिटरली गोरी की साउंड बहुत सेक्सी हो रखी है। अभी एक बच्चा पीछे एंट्रोक में आ रहा था बैठा हुआ, कुछ सामान पकड़ रखा था, बंदे ने ऐसे रिएक्शन दिए मेरे को, क्या मैं बताऊँ, बट मैंने कैप्चर नहीं किया। आपका भाई लेजेंड है, सोचा था ढलता सूरज है ढल जाएगा निकल जाएगा, बट ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। वाह यार, मतलब दिल जीत लिया इस नज़ारे ने, क्या है मैं बताऊँ, नज़र ही नहीं हट रही है इससे। ग्रीनरी देखो यार इस विलेज की, इतनी अल्टीमेट ग्रीनरी, जहाँ देखो वहीं पे गेहूँ बो रखे हैं, धान बो रखा है, यहाँ पे खेती में मतलब ये लगा रखा है सब इन्होंने, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में। एक तो ग्रीनरी, फिर ये सनसेट एंड ठंडी ठंडी हवा गाँव की वो भी, और थोड़ा बहुत पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द। ऑल राइट, थोड़ा दर्द तो हो रहा है पैरों में, वैसे थोड़ा हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि पैर मैं इधर से गया था बस में, तो बस में भी वो सीट में रख रख के वो लटकाते रहते हैं ना, तो ब्लड फ्लो नीचे की तरफ था, एंड इसमें तो बिल्कुल ही गजब है, क्या ही बताऊँ। तो वैसे सारे में पूरा तोड़ फोड़ रखा है, तो धूल मिट्टी जहाँ देखो वहीं पर धूल मिट्टी है। दमोली आए नहीं कि टोयोटा ने हमको हाई बोल दिया यार, क्या बताएं, देखो हाई लक्स मेरे को हाई कर रहा है टोयोटा, तो हाई लक्स नाम ही लिख रखा है लिटरली हाई लक्स। मैंने भी पता नहीं क्या नाम रखा अपना लक्स। सब लोग वैसे तो पूछते हैं कि भाई लक्स नाम क्यों रखा, तो एक्चुअल में मेरे जो क्लासमेट्स थे सब ने मिल के मेरा नाम रखा है लक्स, तो वही नाम मेरा पड़ गया। वैसे तो एक्चुअल में लक्की नाम है मेरा। तो अब अपन लोग दमोली क्रॉस कर चुके हैं, एंड दमोली का ब्रिज ये आ चुका है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा ना अच्छा वाला रोड आ जाएगा, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा है क्योंकि शाम का टाइम है, शाम के टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा ही रहता है, इसीलिए थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है यार भगाने में, क्योंकि इस टाइम ना बस वाले और ये माइक्रो वाले निकलते हैं, माइक्रो मतलब वो छोटी छोटी मिनी बस जो होती है, तो वो निकलते हैं। तो अब ये दमोली का ब्रिज आ चुका है यहाँ पे, एंड ये है मोनुमकोट डांडा, जो ऊपर टॉप पे अपन एक गए थे, मोनुमकोट वाला वीडियो एक है मेरा, वो चेकआउट कर लेना। तो मोनुमकोट ऊपर से लाइक सुबह अगर 4-5 बजे गए ना उस टॉप पे ऊपर वहाँ पे, तो ऊपर अपन लोग रहेंगे और नीचे हमारे बादल रहता है, तो ये वाला सीन यहाँ इस वाले पहाड़ से दिखता है, तो वो वीडियो इस पहाड़ की थी। तो ये कुछ दमोली का ब्रिज है बड़े वाला, मैं इसी को दमोली बोलता हूँ, जब भी इस ब्रिज पे आ जाता हूँ ना मैं बोलता हूँ कि भाई दमोली पहुँच गए, बट दमोली का सिटी पीछे रह गया, दमोली स्टार्ट यहाँ से है। तो ऑलराइट, तो दमोली भी क्रॉस हो चुके हैं, अब नॉन स्टॉप मेरे को जाना है, कहीं भी नहीं रुकना है, खाना पीना गया तेल लेने, अब सीधा पोखरा जाना है,
पोखरा अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 40 किलोमीटर होगा, ज़्यादा ज़्यादा 40 या समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो एक घंटा में भी और लगेगा, और समथिंग 6:30 बज चुके हैं, शायद 7:30 बजे तक में भी मैं 7:30 बजे तक पहुँचूँ। अच्छा है, जितने टाइम में भी पहुँचेंगे ठीक ठाक पहुँच जाएँ वो बड़ी बात है। चलो खींचते हैं, भगाते हैं एंड पहुँचते हैं जल्दी जल्दी। नज़ारा तो ये घातक होता जा रहा है गाइस, घातक होता जा रहा है, दिल को चीरता हुआ जा रहा है। तो अभी मैंने रोका थोड़ी देर के लिए, एक स्टोरी लगाई, ब्यूटीफुल सी स्टोरी लगाई यार फेसबुक पे, और बस अब ये व्लॉग में दिख ही रहा है आप सबको। तो मतलब यार जो एक्सपीरियंस सही में मैं गेन करता हूँ ना, वो मतलब गलत नहीं है यार। लाइक ऐसी ऐसी चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना यार, दिल को ऐसी खुशी मिलती है ना, मतलब अंदर से जो स्ट्रेस होता है ना सब निकल जाता है। देखो यार, वाह यार, इससे अच्छा और क्या दिखेगा, मतलब लिटरली यार। जितना जितना ये डूबता जा रहा था सूरज, डूबता जा रहा था और ज़्यादा खूबसूरत होता गया यार ये व्यू। अब देखो लिटरली यार, मतलब ये तो जन्नत से कम है ही नहीं यार। कमर टूटी, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन अपने शहर अपने घर पहुँच ही गए। तो फाइनली वी आर इन पोखरा। तो पोखरा का ये है पृथ्वी चौक, तो अपन लोग आ गए हैं पृथ्वी चौक की तरफ। तो ओह माय गॉड, ये सफ़र थोड़ा सा गंदा रहा मेरे लिए। मेरे बैग में अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक तो मैं बैग हैंग कर रख के रखा है एंड बैग में थोड़ा सा वजन है, कैमरा का पूरा सामान रखा हुआ है, दैट्स व्हाई उसमें वजन हो रखा है, और उसकी वजह से मेरे बैग में पेन हो रहा है। पूरे रास्ते पेन नहीं हुआ, अब जाके थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। तो ये आप देख लो, ये सृजना चौक है, सृजना चौक के ब्रिज है ये ऊपर। तो लाइटिंग वाइटिंग भी हो रखी है इसमें, तो बहुत मस्त, बहुत मस्त। मैंने पहली बार देखा है लाइक रात के टाइम पे इसको, दिन में तो डेली देखता था, अब रात के टाइम पे पहली बार देखा है। तो लाइटिंग वाइटिंग भी हो रखी है इस पर। ऑल राइट, तो ये अच्छी बात है, पोखरा तरक्की कर रहा है धीरे धीरे।